होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ किचन में। तो मैंने सबसे पहले तो दूध गर्म किया है, यहाँ पे मैंने दाल बिठाया था, दाल मेरा बन चुका है। और रोटियाँ मुझे सेकनी है और सब्जी भी मेरी बन चुकी है। सब्जी मैंने एक्चुअली बनाया है आज, और सब्जी मैंने बनाई है आज आलू बैंगन और टमाटर की। तो ये वाली आज मेरी सब्जी बनी है, और मैं जा रही हूँ रोटियाँ सेकने। और इसके अलावा कल जो मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर की थी अपने प्रॉपर्टी को लेकर के, कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं, वो देखने गए थे एक्चुअली हम लोग, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। उसके बाद से जो भी प्रोसेस आगे होगा ना, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और आप लोगों के जो प्यारे प्यारे सजेशंस आए थे, कमेंट्स आए थे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझे यही उम्मीद थी, आप लोगों से सजेशंस चाहिए था कि क्या करूँ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी मैं अगर कुछ देखती हूँ, या फिर मतलब जब मेरा कुछ भी इसके आगे प्रोसेस होगा ना, तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी उस चीज़ को। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी खुशी में आप लोग इतने खुश थे, इतने अच्छे तरीके से शामिल हुए। और जिन लोगों के भी कमेंट्स आए ना, तो बहुत प्यारा कमेंट्स लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ ना जन्माष्टमी की भी तैयारियां शुरू करनी है, तो जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए प्रिंसू का मैंने ना ड्रेस तो मंगा लिया है, आप लोगों से मैं शेयर कर चुकी। तो ये रहा प्रिंसू का ड्रेस, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है। तो पूरे ऐसा शरीर है इसमें, तो इसको मैंने सब कुछ एक जगह निकाल दिया है, आज ही निकाल रही हूँ, क्योंकि परी का जो लहंगा है वो भी मुझे सेलेक्ट करना है। 3-4 लहंगे हैं, तो उसे पूछना पड़ेगा कि कौन सा लहंगा वो पहनना चाहती है। उसके बाद से अपनी ड्रेस अभी मुझे ठीक करनी है, और इन लोगों का भी ड्रेस मैंने निकाल दिया है। तो जन्माष्टमी की भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, लड्डू गोपाल के लिए जो टेम्पल है उसमें भी लगाना है सब कुछ, और डेकोरेशन करनी है, दही हांडी और बहुत सारी चीज़ें। मतलब जन्माष्टमी में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सबके घर में ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब अपनी तैयारियां हो ना हो, बच्चों की तैयारियां जो होती है ना सबसे पहले होती है। तो जैसे कि मैंने कर ली, सबसे पहले प्रिंसू की तैयारी की मैंने, और परी के पास लहंगा बहुत सारा था, सब छोटा हो जाएगा, इसलिए ना परी के लिए मैंने नया लहंगा नहीं लिया, कुछ और ड्रेसेस ज़रूर लिए हैं। तो वो सारे ड्रेसेस भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कभी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। सो चलिए, और जन्माष्टमी की तैयारी के साथ साथ अभी मुझे किचन में खाना भी बनाना है, तो मैं चलती हूँ खाना बनाने। खाना वैसे ऑलमोस्ट बन चुका है, मैंने आप लोगों से दिखाया, और जो भी बाकी है वो मैं जा रही हूँ रेडी करने के लिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। क्या हो रहा है यहाँ बैठते हैं ना, यहाँ बैठा के गए थे ना, तो उसपे कैसे चले गए? खाली क्यों कर दिया? और सारा सामान नीचे। गुड मॉर्निंग, चप्पी चप्पी अब मैं पति में अंदर टाडा टन टाडा दादा टाडा दादा दादा मिट्टी मिट्टी दादा दादा परी गोद नहीं लेते हैं, गिर जाओगे उसको लेके। दादा कौन बोलता है? दादा कौन बोलता है? दादा पछा पछा बोलो तो, पछा पछा खड़ा हो जाइए। चलो नीचे उतरो, जल्दी से नीचे उतरो। अथवा बोलो तो पछा पछा। संडे था तो हम लोग संडे सोच के बाहर भी आ गए हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, और साथ ही साथ जो भी जन्माष्टमी की हमारी जो तैयारियां हैं ना, जो अधूरी हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जो भी चीज़ें लेनी है वो हम लोग यहाँ से लेके चले जाएंगे। बेटा हटा, छोड़ दीजिए बेटा, हाथ छोड़ दीजिए उसका। यहीं खेलो, यहीं खेलो बेटा, उधर नहीं प्रिंसू। पापा 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 पापा, चलो आओ इसमें ना पूजा। पापा जी, दादा जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी, बोलिए ना, नाना जी, नाना, मामा जी,
मामा जी, मामा जी और पापा जी, पापा जी, सब में जी लगा लगा के बोल रहा है और खुद भी सीख गया है। पापा बोलता था, नाना बोलता था और अब बाबू हर चीज में जी लगाना सीख गया है। ठीक है ठीक है, बाबू बहुत चलाक हो गया है ना। अरे वाह, बॉल बॉल है ना बाहुबली बॉल। बाहुबली लहाप में ना बाबू काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, हर चीज़ से खेल रहा था और वेदर भी काफ़ी अच्छा था तो हमें भी अच्छा लग रहा था। और बाबू का ना यहाँ पे मैंने कुछ रील बनाया और कुछ बहुत सारा इसको ना सॉन्ग पे शूट किया मैंने, बाबू के परी के भी शूट किया। चोट लगेगा मामा को, मामा दीजिए मामा को। आ जाइए प्रिंसो, आइए बेटा आइए आइए। बोला काउंट कर रहा हूँ। कौन तो काउंट कर रहा है, परी काउंट कर रही थी तो उसका देख उधर नहीं। आ जाओ प्रिंसो, ओए फंसे हुए मैं। अरे बेटा यहाँ फंस जाओगे, पतला सा रास्ता है। चलो 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 पापा 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 जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं। चलो चलो भागो 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 जल्दी से, भागो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ, हम लोग चलेंगे। रुकिए नहीं, इसको ले लीजिए मम के लिए, हमको लगा आपके साथ जाने के लिए मम लेके जाएगा। आराम से चलिए प्रिंस, धीरे धीरे। वहाँ पे ना परी को ऐसा लग रहा था कि ये कुछ खेलने वाला है, जबकि ये हर जगह होता है और आजकल बहुत जाना कम होता है ना, तो परी भी ये सब चीज़ें ना आजकल देख नहीं पा रही है। वो दोबारा से गई है वैसे करने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है एक दो बार कर लो वैसे। तो फिर वहाँ पे वो खेलने लगी एक दो मिनट के लिए और उसके बाद मैं वहीं पर खड़ी थी तो यहाँ प्लांट्स थे, तो मैंने देखा कि यहाँ पर तुलसी माता का भी पौधा है, बाकी सारे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स थे। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं मिठाई की शॉप पर, तो मिठाई की शॉप पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें जन्माष्टमी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मिठाइयाँ भी लेनी थी। वैसे फ्रूट्स कुछ जा चुके हैं और कुछ लेके जाने हैं साथ में आज ही, और इसमें से जो भी मिठाइयाँ पसंद आएगी ना, दो तरह की मिठाई लेनी है तो दो तरह की मिठाइयाँ लूँगी। और परी जो है ना यहाँ पर क्या बोल रही है, गुलाब जामुन खानी है क्योंकि परी का फेवरेट है गुलाब जामुन, और जो काजू बर्फ़ी होती है ना काजू कतली वो वाली, तो यही दोनों वो मिठाइयाँ हमेशा खाना चाहती है, तो इसलिए ये बोल रही है कि ये। तो मैंने बोला कि ये वाली तो मैं घर पर बनाऊँगी, बट दूसरी में दो मिठाइयाँ ले लेनी है और ये वाली घर पे बनेगी। तो ऐसा करके परी को तो समझा दिया है। और यहाँ पे बहुत ही मतलब हाइजीन लग रहा था, बहुत ज़्यादा हाइजीन, क्योंकि यहाँ पे बगल में ही ना बनने का भी था और यहाँ पे ये लोग सेल भी करते हैं। यहाँ बनता भी है पेपर में, टू पीस पूरी लिमनी पैक ले लो बेटा, वहाँ से ले लीजिए।
आप एक ले लीजिए, एक प्रिंसिपल दे दीजिए। अच्छा लग रहा है प्रिंसो, अच्छा लग रहा है। वाह, प्रिंसो को टेस्ट समझ में आने लगा है। प्रिंसो बोल रहा है अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए कितने अच्छे से बोल रहा है। और ये अच्छा लग रहा है आपको? वैसे मेरे यहाँ पर मिठाइयाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे असाई में बनाने का भी है, ये लोग बनाते हैं और ये मुझे बस अभी पान है तो यहाँ पे बेचते हैं। देखिए यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।